नमस्ते, मैं अभिषेक। घोसी लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, यहाँ का चुनावी माहौल काफ़ी गर्म होता जा रहा है। जिस तरीके से घोसी में 3 प्रत्याशी अभी सामने दिख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राजीव राय, एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी अरविंद राजभर और बसपा के बालकृष्ण चौहान, और निर्दलीय में घोसी निर्माण मंच के हैं तो और तमाम लोग आ सकते हैं। फिलहाल जब से ओम प्रकाश राजभर चुनावी मैदान में उतरे हैं, घोसी का चुनावी माहौल काफ़ी गर्माता जा रहा है। स्थिति यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शुरुआती दौर में एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के साथ दिख रहे थे, अब वह ओम प्रकाश राजभर से खासा नाराज होते जा रहे हैं। इसकी वजहें तमाम हैं, उन वजहों में से एक है ओम प्रकाश राजभर का बड़बोलापन। ओम प्रकाश राजभर जब मुस्लिम बस्तियों में जा रहे हैं तो वह अपने पुराने चुनाव को याद कर रहे हैं। वह इशारों में कह रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले चुनाव में आपने छड़ी निशान को जिताया था, इस बार भी छड़ी को जिता दीजिए। यानी कि कुल कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को जिताया था, इस बार भी अरविंद राजभर को जिता दीजिए। मैं आप लोगों के समाज की बात हमेशा करता हूं, आगे करता रहूंगा। तो समस्या यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर मुख्तार अंसारी को लेकर के नफरत रखता है, वह ओम प्रकाश राजभर के बेटे को वोट क्यों करे। इसके साथ ही हम बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर के अन्य बयानों का। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि कमल के निशान से नहीं, मैं छड़ी के निशान पर हूँ। तो कमल के निशान से नहीं, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह बात कितना स्वीकार होगा, यह उनके कार्यकर्ता और प्रकाश राजभर खूब जानते हैं। क्योंकि जो भाजपा का वोटर है वह योगी मोदी यानी कमल को जानता है, न तो उसके लिए अन्य मुद्दे हैं न कुछ हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कमल का चुनाव चिन्ह है। जब ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि मैं कमल से नहीं छड़ी से हूँ, तो मामला वहीं पर फंस जाता है और चुनाव ओम प्रकाश राजभर के लिए ठीक साबित नहीं होता दिख रहा है। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने अदरी में एक और बड़ा बयान दिया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मैं बेशक भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं, लेकिन मैं पिंजड़े का तोता नहीं हूं, मैं राजभर हूं। यानी कि ओम प्रकाश राजभर बार बार ये कहना चाह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चलने वाला नहीं, सत्ता के लिए, पावर के लिए कुछ मजबूरियों में मैं गठबंधन में हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का तोता नहीं बनने वाला हूँ। तो जिस तरीके से यह चुनावी हलचलें चल रही हैं, इस बीच कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों की वजह से अब अपने चुनाव में चुनावी माहौल बनाते तो दिख रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम यह होता दिख रहा है कि जो भाजपा के कार्यकर्ता ओम प्रकाश राजभर के थोड़ा करीब जा रहे थे, अब और दूर जा रहे हैं और अन्य विकल्प तलाश रहे हैं। वहीं हम बात करें समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं राजीव राय, वह तमाम जनसभाएं कर रहे हैं और उन जनसभाओं में अपने 10 वर्षों के काम गिना रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर पर सीधे पलटवार कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जो राजीव राय हैं वह समाजवादी पार्टी के वोटरों को कितना आकर्षित कर पाते हैं, साथ ही जो सुभाषपा से नाराज वोटर हैं क्या उनको अपने पल्ले में ला पाते हैं, यह देखना होगा। वहीं घोसी के राजनीति में जो जातीय समीकरण है, जातीय गठजोड़ है, वो किसी से छिपा नहीं है। बात करें हम जो बालकृष्ण चौहान हैं, उनके साथ बीएसपी का दलित वोटर और यहाँ के चौहान वोटर करीब होते जा रहे हैं। देखना यह होगा कि चौहान और दलित के समीकरण से बालकृष्ण चौहान दोबारा सांसद बन पाएंगे या जनता किसी और को अपना सांसद चुनेगी। अब तो जनता ही तय करेगी, लेकिन घोसी के रण में चुनावी जो तीर कमान निकाले जा रहे हैं, जो चुनावी तीर छोड़े जा रहे हैं, जो जुमानी हमले हो रहे हैं, उस पर कौन कितना प्रभावकारी होता है यह देखना होगा और कौन जनता के दिलों को जीतने में सफल होगा। फिलहाल आप अभिषेक सिंह के साथ चुनावी माहौल में जुड़े रहिए।